नमस्कार साथियों, अगस्त 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ में मैं कुलदीप शर्मा आपके समक्ष उपस्थित हूं। पहला प्रश्न है, राजस्थान साहित्य अकादमी का वर्ष 2022-23 का मीरा पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शंस हैं दुष्यंत सिंह जाखड़, कुसुम अग्रवाल, डॉक्टर पंजा शर्मा और दय है रति सक्सेना। इसका सही जवाब है रति सक्सेना। इनकी रचना हंसी एक प्रार्थना, इस कविता के लिए मीरा पुरस्कार मिला है। आपको बता देना चाहेंगे कि राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं दुलाराम सहारण और ये है रति सक्सेना। मीरा पुरस्कार के तहत 75,000 रुपये मिलते हैं और यह है इस अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रश्न संख्या 2, किस देश की संसद ने मैकमोहन लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए एक प्रस्ताव जुलाई 2023 में पारित किया है। ऑप्शंस हैं चीन, बी रूस, सी अमेरिका और डी इजराइल। इस प्रश्न का सही आंसर है सी अमेरिका। प्रश्न संख्या 3 है, लगातार सर्वाधिक कार्यकाल वाले देश के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ऑप्शंस है ए योगी आदित्यनाथ, बी नवीन पटनायक, सी नीतीश कुमार, डी अशोक गहलोत। इस प्रश्न का सही जवाब है बी नवीन पटनायक। ये है मैप में उड़ीसा, यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। आपको इस प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है, ये लगातार की बात की गई है और लगातार के मामले में जो प्रथम स्थान पर है वो है पवन कुमार चामलिंग। ये सिक्किम के लगातार 24 साल और 166 दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे। दूसरे नंबर पे आते हैं नवीन पटनायक, ये ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे। इनके नाम ये रिकॉर्ड 23 साल 138 प्लस दिन हैं क्योंकि ये अभी भी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं ज्योति बसु। ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे और इनके नाम 23 साल 138 दिन तक रहने का रिकॉर्ड है। चौथे स्थान पे हैं माणिक सरकार, ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे थे, 19 वर्ष और 363 दिन तक ये रहे थे। जो ये नवीन पटनायक जी हैं ये वर्तमान में 76 वर्ष के हो चुके हैं और उड़ीसा के ये लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये 5 बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं। इनकी जो पार्टी है उसका नाम है बीजू जनता दल। ये 5 मार्च 2000 से लगातार ही इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। प्रश्न नंबर 4 है, राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बंडारू दत्तात्रेय, बी बनवारी लाल पुरोहित, सी कलराज मिश्र, डी आचार्य देवव्रत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कलराज मिश्र। ये राजस्थान के 44वें नंबर के राज्यपाल हैं। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल हैं, बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के राज्यपाल हैं, आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। ये हैं कलराज मिश्र, राजस्थान के 44वें नंबर के राज्यपाल। प्रश्न नंबर 5 है, 30 जून 2023 को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को किस देश के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित
किया गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी स्विट्जरलैंड, सी आयरलैंड, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का सही जवाब है आयरलैंड। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी 24 जून से 30 जून तक तीन देशों की यात्रा पर रहे हैं। इस दौरान आयरलैंड के टिप्रेरी में आयोजित टिप्रेरी कंट्री काउंसिल के चेयरमैन ने सीपी जोशी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया है। प्रश्न संख्या 6, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में लोक देवता वीर तेजाजी का शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, बी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, सी गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, डी बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। प्रश्न 7, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस भाग पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा? ऑप्शन ए पूर्वी भाग, बी पश्चिमी भाग, सी उत्तरी भाग और डी दक्षिणी भाग। इस प्रश्न का सही जवाब है डी दक्षिणी भाग। प्रश्न संख्या 8 है, केंद्र सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी की हालिया स्टडी रिपोर्ट के अनुसार देश में विंड एनर्जी पोटेंशियल में अग्रणी राज्य है? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही जवाब है डी राजस्थान। विंड एनर्जी अर्थात पवन ऊर्जा सोलर एनर्जी के अंदर भी राजस्थान प्रथम स्थान पे है और पवन ऊर्जा के अंदर भी यह प्रथम स्थान पर है। 150 मीटर ऊंचाई तक पवन चक्की लगाने पर बिजली उत्पादन क्षमता सालाना 284 गीगावाट हो जाएगी। अभी तक ये थी 127 गीगावाट। अभी पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रदेश का 520 मेगावाट के साथ चौथा स्थान है। प्रथम स्थान में पवन ऊर्जा में है गुजरात, द्वितीय स्थान है तमिलनाडु का और तृतीय स्थान है कर्नाटक का। राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन किन स्टेशनों के मध्य संचालित हो रही है? ऑप्शन ए गंगानगर अहमदाबाद, बी जयपुर अहमदाबाद, सी जोधपुर साबरमती, डी जोधपुर अहमदाबाद। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जोधपुर साबरमती। 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर के प्रदेश की दूसरी वंदे भारत ट्रेन को शुरू किया था। पहली वंदे भारत ट्रेन है वो अजमेर से दिल्ली के बीच चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की मुख्य सचिव जिनका कार्यकाल में 6 माह की बढ़ोतरी करके 30 दिसंबर तक कर दिया गया है। ऑप्शन ए सुंदराम वर्मा, बी नीरज डांगी, सी उषा शर्मा, डी विमला शर्मा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी उषा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा जू व वर्ल्ड पार्क बनना कहां पर प्रस्तावित है? ऑप्शन ए जोधपुर, बी जयपुर, सी चंबल रिवर फ्रंट कोटा, डी अजमेर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी चंबल रिवर फ्रंट कोटा। आपको बता देना चाहेंगे कि चंबल रिवर फ्रंट के सेकंड फेज में चंबल ओवर ब्रिज के दोनों किनारों पर 6.5 किलोमीटर
कुल 13 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट बनाया जाएगा और सेकंड फेज पूरी तरह प्रकृति आधारित होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन चिड़ियाघर होगा। यहाँ देश का पहला पेंगुइन जू और बर्ड पार्क बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिलों की संख्या के आधार पर राजस्थान भारत का कितनवें नंबर का राज्य बन गया है? ऑप्शन ए 1, बी 3, सी 2, डी 4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 3। गौरतलब है कि राजस्थान में नए जिले बनने के बाद जिलों की संख्या हो गई है 50। प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है और द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश 53 जिलों के साथ है और तीसरे नंबर पर राजस्थान 50 जिलों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्राक्ष खंडेलवाल किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हाई जंप, बी लॉन्ग जंप, सी तैराकी, डी शूटिंग। इस प्रश्न का सही जवाब है डी शूटिंग। ये है रुद्राक्ष खंडेलवाल, ये शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के सर्वोच्च अकादमी रत्न से सम्मानित भानु भारती संबंधित है? ऑप्शन ए नाट्य कलाकार, बी नाट्य लेखक, सी नाट्य निर्देशक, डी रंगमंच रूप सज्जा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी नाट्य निर्देशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनी चिरायु व चिरंजीवी किसके नाम है? ऑप्शन ए पालनहार की प्रथम विजेता, ऑप्शन बी गार्गी पुरस्कार की प्रथम विजेता, सी बाल साहित्य पुरस्कार विजेता, डी बागिन टी 111 के शावक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी बागिन टी 111 के शावक। अवनी चिरायु व चिरंजीवी बागिन टी 111 के शावक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सोलिस्टर जनरल कौन हैं? ऑप्शन ए राकेश पाल, बी तुषार मेहता, सी रुद्राक्ष खंडेलवाल, डी घनश्याम तिवाड़ी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी तुषार मेहता। वरिष्ठ वकील और सोलिस्टर जनरल तुषार मेहता अगले 3 वर्ष के नए कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किए गए हैं। सोलिस्टर जनरल सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना में प्रतिवर्ष सामाजिक पेंशन में वृद्धि कितनी होगी? ऑप्शन ए सिर्फ 1 बार 15%, ऑप्शन बी जनवरी में 5%, जुलाई में 10%, ऑप्शन सी जनवरी में 10%, जुलाई में 5%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जनवरी में 10% व जुलाई में 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार सेवा देने वाली UIDAI का CEO जून 2023 में किसे बनाया गया है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अमित अग्रवाल IAS, ऑप्शन बी सृष्टि देशमुख IAS, ऑप्शन सी स्वामी नाथन जानकी रमन, ऑप्शन डी विधि अग्रवाल IAS। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अमित अग्रवाल, और ये हैं अमित अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें विधि आयोग के
वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह, ऑप्शन बी शक्तिकांत दास, ऑप्शन सी नीति कुमार मेहसाना और ऑप्शन डी हैं ऋतुराज अवस्थी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ऋतुराज अवस्थी। 22वां विधि आयोग 24 फरवरी 2020 को गठित हुआ था और यह 31 अगस्त 2024 तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गांवों को सड़कों से जोड़ने से, ऑप्शन बी गांवों के भू नक्शों से, ऑप्शन सी सीमावर्ती गांवों के विकास से, ऑप्शन डी जल जीवन मिशन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सीमावर्ती गांव के विकास से। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम सीमावर्ती गांवों के विकास से संबंधित है। इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही आए हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथियों, यदि आपको मेरा प्रयास सिंसियर लगे तो आप चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ध्यानुमति, नमस्कार।